चलने वलने में दिक्कत नहीं होता है आपको? इतना उम्र हो गया नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आदत हो गई है। अरे फिर भी 10 किलोमीटर हो गया होगा, 10-12 किलोमीटर डेली का रहता है। ऊपर से चढ़ाई भी है, चढ़ाई भी है ऊपर से। चलो कोई गाड़ी पे बैठाते उठाते नहीं आपको? अभी हम लोगों को बताइए, वहीं से कॉलेज से आने में लोग थक जा रहे हैं। हम लोग आज दिल्ली का 10-12 किलोमीटर हो रहा है। कौन सा इधर गांव है आपका? नीचे अंदर घाटी में वहाँ लोग रहते हैं, मतलब बस्ती है। आपकी बस्ती की तरफ ही चलते हैं आज। टाइम घूमने आए थे, इधर से जब घूम लेंगे तब आएंगे। सूखा है पूरा टाइम, पूरा इधर सीधा चलना है। कितना नीचे है? ये आंगनबाड़ी उंगनबाड़ी वाला लिए हैं, सरकारी वाला पन्नी है। ये सामान है, राशन उसमें कपड़ा कपड़ा उपड़ा कपड़ा है। ये दादाजी यार गजब, मतलब देखो पहले ही इस उम्र में। हमारे भी दादा ऐसे, हाँ वो मतलब इतना नहीं घूमते हैं इस समय, लेकिन अब क्वालिटी वाला पॉज कर दो ना अभी थोड़ी देर के लिए। तैयार राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र के डायरेक्ट पीछे आप जस्ट देखेंगे हॉस्टल पे से दिखता है जो पीछे का नज़ारा, वहाँ पर आज हम लोग प्रेजेंट हैं। और डेली संडे को हम लोग यहाँ इवनिंग वॉक पे आते हैं और अपना यहाँ घूमते हैं, टहलते हैं और मज़े लेते हैं। यहाँ प्राकृतिक का इतना सौंदर्य और नज़ारा है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ अगर आप आते हैं तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे हैं तो ये व्यू देख लीजिए कितना बेहतरीन है। पीछे का व्यू है, कॉलेज से दिखता है। और ये सोन पंप है, सोन पंप नहर बनी पड़ी है, बरसात में पूरा पानी से लबालब होता है फ्रेंड्स ये। और आगे चलेंगे तो इसका स्टेप भी दिखाया गया है कि कैसे पानी ऊपर चढ़ता है, नीचे से पानी को पंप द्वारा खींचा जाता है। और इस ये जो अभी पंप मतलब नहर देख रहे हैं, इसी नहर के माध्यम से जाता है। और इधर का जो नीचे का व्यू दिख रहा है पूरा एकदम गजब का व्यू है, खाई है। इसी खाई में भी हम लोग जाएंगे नीचे और वहां से नदी टाइप का दिखता है जो कि कॉलेज के कैंपस से बहुत ही भव्य लगता है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ नज़ारा है। पुलिस लाइन के बारे में थोड़ा बताओ। पुलिस लाइन यहाँ भी है पास में, पुलिस लाइन का जो ग्राउंड है उसके जस्ट पीछे ही ये पूरा व्यू है। और इसके आपके सामने जो आता है यहाँ सोनपंप पे एक मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, शानदार एकदम शांति पीसफुल माहौल है। यहाँ लोग आते हैं अपना पार्टी वगैरह करते हैं, फिर लिट्टी बाटी लगाते हैं। वही सामने मंदिर दिख रहा है, उस साइड एक पीपल का वृक्ष भी है और बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एकदम। वहाँ से चलेंगे अभी नीचे, आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, झील भी लेक भी है, तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो और विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी, अगर आप उसमें जानते हैं तो दवाओं के बारे में, उसमें आप दवा भी उससे बना सकते हैं, बनती हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ का व्यू है। और पीछे सीमेंट फैक्ट्री चुर्क वाली जो है, यहाँ से बहुत ही भव्य व्यू दिखता है उसका। हमारे पीछे आप देख सकते हैं उसका व्यू कितना सुंदर होता है, वो बहुत ही रोचक लगता है यहाँ से। तो
तो दोस्तों अभी देखिए पीछे का जो नज़ारा दिख रहा होगा हमारे, ये हमारे सर भी हैं, साथ में अभी हम लोग घूमने आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, ये भी हैं फोर्थ ईयर के हैं, और हम लोगों के साथ संडे पे यहाँ भी इवनिंग वॉक पे हम लोग आया करते हैं, आनंद ले रहे हैं। ओ, फोटो लेने लायक है, नीचे चले, नीचे चले, अरे बहुत बढ़िया है, आओ नीचे। चलिए कहाँ घुस गए उधर, ये हमारे सर देखिए कहाँ से आ रहे हैं क्या करते हुए। डर लग रहा था। हम लोग सोन पंप के नीचे का व्यू आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। सोन पंप का जो नीचे का व्यू है वो बहुत ही खुफिया एजेंसी की तरह दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से आप एंट्री करेंगे और ऐसे ही करके अंदर जाएंगे, यहाँ एकदम कबाड़ा हो चुका है, अंदर का बीम है देखिए कितना मोटा मोटा है, पूरा पत्थरों से पूरा बना भरा पड़ा है, ये व्यू है पूरा अंदर का। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही गुप्त स्थान है, पूरा अंदर का हम दिखा देते हैं आपको, देखिए कितना खतरनाक व्यू है पूरा, देखिए ये बहुत डेंजर जोन है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ ज़्यादा रुकना सही नहीं है उचित, ये बहुत ही डेंजर व्यू है। सर आप वहीं रुकिए ज़रा, ये देखिए हमारे सर आ रहे हैं उधर से, अब ये डेंजर व्यू से हम लोग निकलते हैं। पूरा सोन पंप का अंदर का व्यू है फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग बाहर निकल चुके हैं, ये देखिए बाहर से पूरा खूबसूरत गजब का नज़ारा है। बहुत जबरदस्त खाई है और ये बेर हमने यही तोड़ा है सोन पंप से, इधर दिखा दीजिए हमारा ये सोन पंप है, इसी के जस्ट बगल से ही का व्यू हमने अब देख लिया है। अब इसके चौथे स्टेप से तीसरे स्टेप पे हम लोग जा रहे हैं जो कि निचला चरण पे है, वहाँ से भी काफी नीचे का व्यू नजारा एकदम बेहतरीन समझ में आएगा आपको, अभी दिखाएंगे जहाँ चल रहे हैं आगे वहाँ एकदम बेहतरीन व्यू है। ये अभी सोन पंप से अभी हम लोग उतर के इधर चले आए हैं आगे का व्यू, जो कि मतलब सोन पॉइंट आप जाते हैं तो उसके नीचे से जो भी दिखता है, जो टावर मतलब स्टेशन दिखता है सब स्टेशन, वही सारा आपको हम दिखाएंगे अगले चरण में, तो आप हमारे साथ बने रहिए।
हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पे। सर आप कैमरे को उस साइड दिखा दीजिए, अभी जिधर हम जा रहे हैं तो देखिए यही अभी आपको चलेंगे, आगे ऊपर चलेंगे तो वहाँ मिलेगा। हेलो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं लैक के पास, जो सोन पंप के तृतीय चरण के नीचे लैक है, झील है। ये देखिए जो दिख रहा है आपको, तृतीय चरण है सोन पंप का, और इधर का बहुत ही भव्य खूबसूरत नज़ारा पड़ा है। आप इसका लुफ्त लीजिए, आनंद लीजिए और आइए ना। पन्नी अच्छी से उगी ना, वाल झाल के इतने निकाल रहे हैं। पन्नी बोलो, कुछ बोलो, पन्नी पे रखे हो? बोलो, बहुत अच्छी आ रही है, पन्नी तो नहीं है। हमारे सपने पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, मुझको ऐसे ही सपने आते थे बचपन में, सच हो रहा है मेरा। गाइस, जब मैं छोटा हुआ करता था तो पहाड़ों और झरनों और नदियों की, झीलों की और प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे ऐसे दिख रहा है जो इसमें व्यू हुआ आपको, उसी प्रकार के सपने आया करते थे, जो आपको बहुत मतलब ये साकार हो रहा है, हमारा सपना सच हो रहा है। ये देखिए बहता हुआ पानी, कितने शांत। उधर कुछ लोग आए हैं टहलने। जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फ्लैट है, फ्लैट है, जाइए उस पार ना। और क्या, आपका भी फोटो निकाल देते हैं। डगर बहुत कठिन है, वीडियो बन रही है। ये इधर देखिए, इधर देखिए पानी की अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, डर लग रहा है यार। ट्रेन ट्रेन देखो भाई, यही जा रही है, यही बगल में, वो ऊपर ऊपर जो खंभे लगे हैं देखो, गजब यार, सेट, वाह, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड, योगेंद्र इधर रिकॉर्ड करना ना। ओम नमः। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। ये व्यू खतरनाक, ठहरे हुए पानी में, ऊपर और सर करिए, ये हाथ है, ये हाथ ऊपर करिए, ये हाथ ऐसे रखे, हाँ ये है, घड़ी अंदर कर लीजिए, हाँ बस ऐसे, ये हाथ दोनों खोल के रखिए ना, हाँ ऐसे जबरदस्त, हाँ ये इधर देखिए, तुम यार यहाँ आओ, तुम इधर देखो, तुम्हारी फोटो अच्छी आ रही है, बढ़िया फोटो आ रही है। रुक जाओ यार, हम दोनों की फोटो निकालते हैं, तगड़ी वाली लेने दो।
दोनों लोगों की फोटो खींच रहे हैं ना। योगेंद्र क्या करें, बहुत सही आ रही है, हम बहुत तगड़ी फोटो आ रही है इस समय, वीडियो रिकॉर्ड भी चल रही है ना, फोटो भी चल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। पानी उछालिए, ऊपर उछालिए ना, और तेज तेज, हमारे तरफ नहीं, अरे उधर उछालिए, बहुत पानी, दोनों हाथ से लेकर उछालिए, हाँ अब उछालिए, और जल्दी जल्दी करिए प्रोसेस, और सर ऊपर कर, हमारी तरफ मत उछालिए, हाँ उछाल के ऊपर की तरफ देखिए, आसमान की तरफ, तब मस्त लगेगा कि हाँ ऐसे, हाँ बहुत सही। जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है यार, आओ ना तुम, लो लो लड़कियों वाला लेना, ये इधर देखिए, इधर देखिए पानी की ठहरे हुए पानी, ऊपर और सर करिए, ये हाथ है, ये हाथ ऊपर करिए, ये हाथ ऐसे रखिए, हाँ ये है, घड़ी अंदर कर लीजिए, हाँ बस ऐसे, ये हाथ दोनों खोल के रखिए ना, हाँ ऐसे जबरदस्त, हाँ ये इधर देखिए, तुम यार यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, इधर से तुम इधर देखो, तुम्हारी फोटो अच्छी आ रही है, बढ़िया फोटो आ रही है, फोटो खींच रहे हैं ना, योगेंद्र क्या करें, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, पानी उछालिए, ऊपर उछालिए ना, और तेज तेज, हमारे तरफ नहीं, अरे उधर उछालिए, बहुत पानी, दोनों हाथ से लेकर उछालिए, हाँ अब उछालिए, और जल्दी जल्दी करिए प्रोसेस, क्या आसमान की तरफ, तब मस्त लगेगा कि हाँ ऐसे, हाँ बहुत सही, पगला सुना, मेरा फोटो भी नहीं लिया यहाँ पे, जब बताना तब वीडियो बनाएंगे, ठीक है चलो रेडी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होती, एक तबीयत से पत्थर तो उठ लो यारो यारो, चल चल वे तू बंदे उस गली जहाँ कोई किसी को न जा, किसी की मुस्कुराहट।
आप बादल एकदम अपने पहाड़ों से मिलाप कर रहे हैं क्या? कितने ऊंचाई? ओह माय गॉड, इट इज वेरी अमेजिंग सीन। देखिए गाइस, ये कितना बेहतरीन सीन है, आकाश और पहाड़ों का संयोग देखिए।